आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी की पोल खोलेगा। जी हाँ, आप चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, सफल इंसान हो या फिर फेलियर हो, इनफैक्ट आप इंसान हो, यही काफी है। ये वीडियो आपके जन्म से मृत्यु तक की कहानी बताएगा, जिसे शायद आपने कभी गौर ना किया हो। अब्राहम मैस्लो एक गजब के अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने मनुष्य के जीवन पर एक सिद्धांत दिया जो हर एक व्यक्ति पर लागू होता है। अब्राहम मैस्लो ने इंसान के जीवन को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। इन 5 स्टेजेस में मनुष्य कैसे बदलता है, चलिए इसे देख लेते हैं। एक बच्चा, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ हो, वो चाहे किसी भी जाति या रिलीजन का हो, लड़का लड़की या किसी भी लिंग का हो, उसके जीवन में जो सबसे बेसिक नीड्स होती हैं, जो हर एक मनुष्य पर लागू होती हैं, वो है 3 चीजें जो मनुष्य के इस भौतिक शरीर से जुड़ी होती हैं, जो है भूख, प्यास और नींद। ये 3 बायोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं, वो हर व्यक्ति की जरूरत है। यानी पहले स्तर पर इंसान इन्हीं चीजों पर जीता है, उसकी यही जरूरतें होती हैं और वो इन्हीं के बारे में सोचता है। अगर आपकी भूख, प्यास और नींद पूरी नहीं होगी तो ना तो आप अपने करियर के बारे में सोच पाएंगे, ना ही नैतिकता की बातें करेंगे, ना ही ईश्वर भगवान को याद करेंगे, ना ही उनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे पहले हर एक व्यक्ति को ये 3 चीजें अवश्य चाहिए होती हैं। अब मैस्लो अपने सिद्धांत में दूसरी स्टेज पर क्या बताते हैं। हर एक इंसान की जो दूसरी जरूरत होती है वो है सुरक्षा, जो इंसानों पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु पर लागू होती है। हर कोई अपनी सुरक्षा करना चाहता है, अब वो चाहे मौसम के बदलाव से हो या किसी खतरे से बचने के लिए। हर व्यक्ति, जानवर, पशु पक्षी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखता है। यानी अगर आपके पास में घर नहीं होगा, आपके ऊपर छत नहीं होगी, तो आप अपनी सोच को उससे ऊपर डेवलप नहीं कर पाओगे। तो जब इंसान अपनी लाइफ की 2 स्टेजेस को पार कर लेता है, यानी सबसे बेसिक भूख, प्यास और नींद, दूसरा उसकी सुरक्षा यानी उसका घर, इन 2 स्टेजेस को पार करने के बाद उसकी जो तीसरी जरूरत या कहूँ तीसरी स्टेज जो होती है, वो होता है प्यार। अब प्यार का मतलब ये नहीं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार, प्यार का मतलब लोगों से कनेक्ट होना, लोगों से सामाजिक होना। प्यार दोस्ती में भी होता है, रिश्तों में भी होता है। आपने कई बार देखा होगा जब बच्चे स्कूलिंग करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके कई दोस्त बनते हैं। जब तक वो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए वही जिंदगी होती है, उसके बाद कॉलेज शुरू होता है, दोस्ती चलती रहती है, फिर अचानक से वो अपना करियर बनाने के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर कुछ समय के लिए वो दोस्ती भूल जाते हैं, उनका पूरा फोकस उनके काम में या करियर में होता है। पर जब वो वहां सेट हो जाते हैं, यानी उनकी पैसा कमाने की नीड खत्म हो जाती है, लाइफ एकदम स्टेबल चल रही होती है, तब अचानक से उनको वो सभी दोस्त याद आते हैं जो कुछ समय पहले बिछड़ गए थे, क्योंकि अब उन्होंने अपनी शुरुआती जरूरतों को पूरा कर लिया है। भूख, प्यास, नींद पूरी हो गई, घर हो गया, अब उनका दिमाग इससे ऊपर की चीजों को सोचेगा, तो वो लोग रिश्ते ढूंढते हैं, लोगों का अटैचमेंट ढूंढते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ढेर सारा पैसा दे दिया जाए, इतना पैसा जो कभी खत्म ही ना हो, और दुनिया में किसी दूर कोने पर भेज दिया जाए, एक टापू पर जहां पर एक लग्जरी घर बना हो, अरबों खरबों का घर, महंगी महंगी गाड़ियां हो, दुनिया की हर एक सुविधा से वो घर लैस हो, और तुमसे कहा जाए कि तुम्हें यहाँ रहना है, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, खाना पीना रहना और बेशुमार पैसा, पर यहाँ तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा, यानी यहाँ तुम्हारे अलावा कोई भी इंसान नहीं होगा, तो अब बताओ क्या तुम वहाँ रह सकते हो? वो एक खूबसूरत जगह जो तुम्हें सोचने में स्वर्ग जैसी लगती होगी, पर वो तुम्हारे लिए अब नर्क हो जाएगी। यानी तुम्हारी बेसिक जरूरतें पूरी होने के बाद तुम्हें परिवार चाहिए, जो खुशी तुम्हें शुरुआती चीजों में मिल रही थी उनके पूरे होते ही तुम्हें परिवार का सुख चाहिए, यानी प्यार चाहिए। कोई भी इंसान 3rd स्टेज पर पहुंचने के बाद उसके अंदर अगली सोच जो डेवलप होती है, वो होती है मान सम्मान कमाने की। वो समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। मतलब यहाँ सिंपल सी साइकोलॉजी है, भूख प्यास हो गई, सुरक्षा हो गई यानी उसका घर, धन कमा लिया और परिवार जोड़ लिया। अब यहां तक सब कुछ ठीक होता है, तब उसे चाहिए होता है मान सम्मान। इसीलिए आपने देखा होगा जो दुनिया में रिच लोग हैं, जिन्होंने बहुत अधिक पैसा कमा लिया है, अब वो इतना पैसा कमाने के बाद अपने पैसे के बहुत बड़े हिस्से को समाज कल्याण के कार्यों में खर्च करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, जगह जगह चैरिटी और डोनेशन देते हैं।
क्योंकि उनकी पहले वाली जरूरतें पूरी हो गईं। अब वो वहां से ऊब गए, अब उन्हें कुछ और चाहिए। चलिए ठीक है, जब मनुष्य अपनी इन चारों स्टेजेस को पार कर लेता है तब उसके जीवन में एक आखिरी स्टेज आती है, यानी पांचवी स्टेज, जिसे कहते हैं आध्यात्म, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति संसार में रहकर अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर लेता है, अपने सभी लेवल्स को पार कर लेता है, तब उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक सोच डेवलप हो जाती है कि वो कौन है, क्यों है, कहां से आया है, उसके यहाँ आने का अर्थ क्या है, भगवान ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है। सब बेसिक जरूरतें पूरी होने के बाद उसके दिमाग में कुछ इस प्रकार की सोच डेवलप होने लगती है और वो आत्मा की खोज की तरफ जाने लगता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक महिला का फोन आया जो मेरी जानकार हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी, मुझे एक बेचैनी हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशानी का कारण ढूंढ रही हूँ तो मुझे कारण भी नहीं मिल रहा। मतलब किसी प्रकार का दुख नहीं है, लाइफ में सब कुछ ठीक है, पर एक अजीब सी बेचैनी है। मन करता है कुछ दिन की छुट्टियां ले लूं और सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाऊं, किसी आश्रम में चली जाऊं, संसार से डिटैच होने का मन कर रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनकी पूरी बात सुनी। मैं जानता हूं कि वो वेल सेटल्ड हैं, ठीक ठाक सैलरी है, एक बेटा है, परिवार का सुख वो पहले ही भोग चुकी हैं, यानी उनकी भूख प्यास और नींद उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो टाइम से हो रही है। सुरक्षा के लिए उनके पास घर भी है, वो एक अध्यापिका है तो समाज में मान सम्मान भी है, ये सभी चीजें बैलेंस में चल रही हैं, इनके बारे में उन्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनकी सोच आगे की ओर डेवलप होगी। संसार का अनुभव करके वो उससे पार निकल गई हैं, संसार से उन्हें कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रही, इसीलिए उनके भीतर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। असल में उनके भीतर जो बेचैनी है वो खुद को खोजने की बेचैनी है, आत्मबोध की बेचैनी है। वो ध्यान मेडिटेशन करना चाहती हैं। अब यहाँ इस पॉइंट को ऐसे समझना, अगर तुम्हारे पास में खाने का जुगाड़ नहीं है, गरीबी इस हद तक है, ना तो भोजन का जुगाड़, ना ही नींद लेने की व्यवस्था, और वैसे भी खाली पेट नींद नहीं आती, तो ऐसे में उस व्यक्ति से कहा जाए कि जाओ तुम मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ध्यान का फला फला प्रयोग है, इसे इस तरीके से करना है, तो क्या भला ऐसा भूखा प्यासा व्यक्ति जिसे नींद भी नहीं मिल रही है वो ध्यान कर पाएगा? नहीं, वो ध्यान नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को पहले भोजन चाहिए, नींद चाहिए, और जब ये जरूरतें पूरी होंगी तो वो अपने घर के बारे में सोचेगा। और आप सभी सोचते भी होंगे कि आपके पास में एक अच्छा घर होना चाहिए, आप ध्यान आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं सोचेंगे। एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति जो अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, उसे आत्मा परमात्मा या भगवान के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भगवान होगा होगा, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो चार पैसे कमाने हैं, अपना पेट भरना है और फिर अपने परिवार का पेट भरना है। वो इन बेसिक लेवल के ऊपर सोच ही नहीं पाएगा। इसीलिए आप भी पूरी तरह से आत्मिक नहीं हो पाते, एक सच्चे खोजी नहीं बन पाते, क्योंकि तुम आध्यात्म में उतर तो गए हो लेकिन थोड़े कच्चे कच्चे हो। अभी तुम्हारे भीतर इच्छाएं मौजूद हैं, वासनाएं मौजूद हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम ध्यान और आध्यात्म में आ जाते हो और फिर तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें वापस खींच लेती हैं, तभी तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाता। और जब कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं सब बहुत हुआ, अब मुझे इस झंझट से निकलना है, मुझे आत्मबोध की खोज की ओर जाना है, तो ऐसे में उसके साथ कोई परमात्मिक चमत्कार नहीं हुआ है, असल में वो प्राकृतिक रूप से डेवलप हुआ है, वो अपनी हर एक स्टेज को पार कर चुका है, इसीलिए उसके भीतर इस प्रकार की सोच डेवलप हो पाती है और वो आत्मा परमात्मा ध्यान ज्ञान की बातें करता है। तो अब्राहम मैस्लो, एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट, इनका यह सिद्धांत किसी आध्यात्मिक गुरु के सिद्धांत से कम नहीं है। इसी प्रकार से आपके जीवन की सभी परिस्थितियां आपके मेंटल लेवल को, यानी आपकी सोच को बदलती हैं। ये सब कुछ अपने आप ही होता है प्राकृतिक रूप से। इसीलिए कोई भी आध्यात्मिक गुरु अपने प्रवचनों से हर इंसान को नहीं बदल पाता, बल्कि इंसान को बदलती हैं तो उसकी परिस्थितियां, उसके जीवन के वो पड़ाव, ये पांच लेवल। इसीलिए आज अमेरिका में आध्यात्मिक या कहूं स्पिरिचुअल ग्रोथ के चांस सबसे अधिक हैं, भारत से भी ज्यादा।